खोल देते हैं, उससे पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की असल स्थिति क्या है और ये 400 का आंकड़ा बीजेपी पार कर पाती है, इसे छू पाती है या नहीं छू पाती है। अवध और पूर्वांचल की बात करेंगे। सबसे पहले अवध की 14 सीटें आपके सामने रखते हैं। अवध में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी कि 14 की 14 सीटें अवध की भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। सपा के आगे भी आप शून्य देखेंगे, कांग्रेस के आगे भी आप शून्य देखेंगे, तो अवध में क्लीन स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 14 की 14 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, यानी कि लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव जीतेंगे, रायबरेली की सीट भी कांग्रेस हारेगी, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव जीत सकती हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी अपनी सीट को बचाएंगी, प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता चुनाव जीत सकते हैं, बाराबंकी से राजरानी रावत जीतेंगी और फैजाबाद से लल्लू सिंह जीतेंगे, ये अयोध्या वाली सीट है। हरदोई से जयप्रकाश रावत चुनाव जीत सकते हैं, उन्नाव से साक्षी महाराज, यानी अवध में जितनी भी सीटें हैं 14 की 14 सीटें। और देखिए खीरी की सीट अजय मिश्र टेनी, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा विपक्ष करता था, वो भी अपनी सीट पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अवध की 14 की 14 सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 0-0 आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आगे नजर आएगा। इसके बाद आइए जल्दी से पूर्वांचल की भी बात कर लेते हैं, ताकि 80 की 80 सीटों का एग्जैक्ट फिगर आपके सामने आ जाए। पूर्वांचल में 29 सीटें हैं, बीजेपी 25 सीटें जीत सकती है, अपना दल गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, 2 सीटें वो जीत सकती है और समाजवादी पार्टी भी 2 सीटें यहां से जीत सकती है। और ये जो 2 सीटें हैं वो आजमगढ़ और घोसी की हैं, जिन पे समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती हुई नजर आ रही है। यानी 29 सीटों का ओपिनियन पोल पूर्वांचल का ये कह रहा है कि एनडीए 27 सीटें जीतेगा और समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत सकती है। जी हाँ, वाराणसी में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत अर्जित करेंगे, ये सर्वे बता रहा है। ओवरऑल यूपी की अब सीटें आप देख लीजिए, 80 सीटें भाजपा जीत रही है, 72 सीटें आरएलडी, 2 अपना दल, 2 सपा, 4। यानी यहां जो स्कोर कार्ड रह सकता है वो रह सकता है एनडीए 76 और इंडिया गठबंधन 4। मतलब 2014 का जो 73 का रिकॉर्ड था अब तक, उसको भारतीय जनता पार्टी बीट कर रही है। एनडीए 76 पर जाते हुए पहुंचती हुई दिखाई दे रही है हमें, और इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर, चारों की चारों सीटें सपा की है। मैं फिर बता दूं आपको, फिरोजाबाद, मैनपुर, घोसी और आजमगढ़। लेकिन हाँ, आता हूं सर, उस पर आता हूं, क्योंकि गाजीपुर की सीट टप मानी जा रही थी, लेकिन फिलहाल भाजपा को जीतते हुए दिखाया गया सर्वे में। इन 4 को छोड़ के बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या उसके एलाइज वो जीत हासिल कर रहे हैं। अगर एक बार हमको आप ये भी बता दें, अगर आपको जानकारी हो एलाइज को कितनी सीटें आई हैं, ताकि बीजेपी का एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल जाए यूपी में। पूरे ओवरऑल यूपी में बीजेपी कितना है? ओवरऑल 72 बीजेपी है, 4 एलाइज पार्टी का है। 72 बीजेपी, 72, तो 72 भी एक नया रिकॉर्ड है यूपी में। इससे पहले 14 में 71 सीटें भाजपा की अपनी जो आई थी वो थी, अब बढ़ा करके उसने उसको 72 कर लिया, जबकि एलाइज के साथ सीट शेयरिंग की गई, काफी सीटें दी गई हैं। तो बीजेपी 72 आप समझिए यूपी में, यूपी के 80 सीटों में से जीत सकती है, और 4 सीट उसकी सहयोगियों को जाती हुई वो दिखाई दे रही है। भावेश, एक समीर जी, एक कॉमेंट। मुझे लगता है कि इसमें 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी, एक मैनपुरी और एक आजमगढ़, बाकी 2 सीटें जो फिरोजाबाद है शायद और घोसी है, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? देखिए मुझे लग रहा है कि मैनपुरी तो गढ़ है, उसमें कोई दोराई नहीं, और आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के आने के बाद समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत लग रही है वहाँ पर, तो वो सीटें मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी। बाकी 2 सीटें मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि गाजीपुर में, नहीं माफ कीजिएगा, आजमगढ़ में आपने कहा गुड्डू जमाली बसपा वाले यहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, तो उससे मजबूत। मायावती ने भी कोई कैंडिडेट नहीं दिया है? मैं दिया होगा, लेकिन वहाँ गुड्डू जमाली का एक अपना बड़ा होल्ड रहा है वहाँ पर, तो बहुजन समाज पार्टी कोई कैंडिडेट दे भी देगी तब भी मुझे लगता है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो वो सीट निकालेगी। तो मैनपुर और आजमगढ़ 2 सीट ऐसी है जो समाजवादी पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा जो 2 सीटें हैं फिरोजाबाद और घोसी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और आप देखना समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलेगी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, और भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें अपनी दम पर लेकर आएगी और 2 सीटें सहयोगी। आप कह रहे हैं एनडीए 78 जाएगा? बिल्कुल, एनडीए 78 जाएगा, सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने जा रही उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए ओवरऑल सीट एक बार बता देनी चाहिए सौरभ, क्योंकि सारे के सारे आंकड़े खुल गए हैं। 543 सीट का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रख दिया है, और इस वक्त इस ओपिनियन पोल से बड़ी खबर यह है कि 400 के आंकड़े से कुछ कम में एनडीए रुक जाएगा, 393 सीटें एनडीए हासिल कर सकता है, और अपने आप में बीजेपी की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यह आंकड़ा 343 का होगा। 370 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है, लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे बीजेपी रुक रही है। 343 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है, जबकि आप ओवरऑल एनडीए की बात करेंगे तो 393 सीटें।
यहाँ एनडीए जीत सकता है 543 सीटों का। ये पूरा ओपिनियन पोल हमने आपके सामने इंडिया गठबंधन का भी बताइए, सैकड़ा नहीं छुपा है वो इंडिया गठबंधन 99। वो इतना बड़ा कुनबा जोड़ा, इतने सारे दलों को लाए, कुछ छोड़ गए, कुछ रह गए, सेंचुरी क्रॉस नहीं हो पा रही है, सेंचुरी नहीं बना पाए। 99 पर स्कोर टिका हुआ है इस वक्त इंडिया गठबंधन का। इसमें से सोच लीजिए, इंडिया गठबंधन अगर 99 है, इसमें समाजवादी पार्टी भी है, इसमें लेफ्ट के लोग भी हैं, इसमें आरजेडी भी है, इसमें एनसीपी भी है, इसमें शरद पवार भी है, इसमें डीएमके भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस को कितना मिली होगी। सब देखिए, इस पैनल में जब से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम सभी इस बात के पर राजी थे, कांग्रेस पार्टी 50 से नीचे का आंकड़ा रहेगा, 50 से नीचे का आंकड़ा रहेगा। और हम लोग कई बोल रहे थे कि 40 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी। कल भी एक दूसरे सर्वे में इस बात का जिक्र चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी 40-45 सीटों से ज्यादा नहीं जीत रही थी। एक और बड़े प्रतिष्ठान ने कांग्रेस के लिए सर्वे कराया था, वो भी कांग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीच ही रख रही है। यानी कि जो सबसे बड़ी दुर्दशा जो है वो राहुल गांधी की पार्टी को होने जा रहा है इस पूरे चुनाव का। 2014 में लोवेस्ट तब आया था 44, यस, और अब उससे भी नीचे 40, यस, जो आप बार बार कहते हैं कि मैं तो 38 बोलते रहा हूं, आपने कहा था कि अपने ऐतिहासिक न्यूनतम पर पहुंची गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों है, ये राहुल गांधी को सोचना है, सोनिया गांधी को सोचना है कि आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों कांग्रेस पार्टी की हो गई है। भाई सारे नेता मौजूद हैं पार्टी के पास, पार्टी का तंत्र तो नहीं खत्म हो गया, तो क्या इसका मतलब आप ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वास खो दिया जनता का। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत की नब्ज को समझने में असफल रहे हैं, उनको जमीनी सच्चाई से वो पूरी तरह से कटे हुए हैं। उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है। भारत का मन वो नहीं है जो 1970 और 80 के दशक की राजनीति है। आज के दिन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत में 1970 और 80 के मंडल राजनीति और उसी प्रकार की राजनीति को वो भारत में पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम 4 दशक जो है वो हम आगे निकल गए हैं 5 दशक, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा देख रहे हैं वो भारत की नब्ज नहीं पकड़ने का ही कारण है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है उनको 2047 में एक विकसित भारत का स्वप्न दिखा रहे हैं, और स्वप्न ही नहीं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने इतना कर दिया है, आने वाले दिनों में मेरा 20 साल का एजेंडा ये है, 5 साल का एजेंडा लो ये है। और वो कह रहे हैं कि ये जो हम वचन दे रहे हैं उस वचन की हम गारंटी दे रहे हैं कि हम ऐसा प्रयोग हम करने जा रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क है, और यही कारण है कि परिणाम जो है वो अब देखिए ना, नरेंद्र मोदी की टैली देखिए कहां जाकर के रुक रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, लक्ष्य दिया था एनडीए के लिए 400, और सर्वे बता रहा है कि एनडीए पहुंच सकता है 393, 400 में केवल 7 का मतलब ये वेरी वेल ये 400 के ऊपर जा सकता है, 400 के ऊपर जा सकता है, इसकी इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। लगा लीजिए, यदि मान लेते हैं कि 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में लड़ रही है, आपके सर्वे में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में दिया गया है। यदि मान लेते हैं कि कंजर्वेटिव जो हम लोग बात कर रहे थे कि डबल डिजिट में यदि भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच जाती है, जबकि यहां सभी लोगों का कहना था कि एक स्थिति ऐसी आ सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, सर्वे बेशक 3 सीटें को बारे में बात करता हूं। यही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, खासकर प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, 40 मंत्रियों को डिप्यूट किया गया, 400 बार केंद्रीय मंत्री वहां पर गए हैं, प्रधानमंत्री पिछले 2 महीनों में इतनी बार जा चुके हैं। बात आप कह रहे हैं 400 पार हो सकता है, मैं कह रहा हूं इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, अभी वो दूर का रास्ता दिख रहा है। जब 393 पहुंच सकता है तो 400 क्यों नहीं पहुंच सकता, सवाल तो ये है। अगर कांग्रेस अगर 40 सीटों पे पहुंचती है और भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी 40 तो दे रहे हैं ना, 40 सीटें मिल रही है, कह दे नहीं इससे भी कम होंगी, नहीं 40 सीटें तो मुझे लगता है आ जाएंगी कांग्रेस से किसी भी तरह से रोके, 35 से 40 के बीच में कांग्रेस कहीं ना कहीं 35 से 40 बिल्कुल मुझे लगता है। लेकिन एक बड़ी 40 से 45 भी तो कह सकते थे, नहीं 40 के ऊपर कांग्रेस की हालत में नहीं जाने वाली। देखिए इस पूरे आंकड़े में ये भी बात है कि जिसको कहता है विपक्ष कहता है या बाकी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम जिसको पीक एक्सपीरियंस कहते हैं, हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पीक एक्सपीरियंसेस तक पहुंच चुके हैं, वहां से आपने छटनी ही किया है, बिहार के अंदर आपने छटनी किया मतलब जो आंकड़े बता रहे हैं, कर्नाटक में सीटें कम हुई, बिहार में सीटें कम हुई, बिहार में सीटें कम हो रही है, महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही है, इन सबों को कंसीडर किया गया है। इसको ऐसा नहीं है कि इसको कंप्लीटली बोला कि जो पहले था वो उस पीक पर रह ही रहा है भारतीय जनता पार्टी, नहीं वहां भी सीटें घट रही है। ठीक है राहुल जी, सहमत है सर्वे से,
देखिए मैं मानता हूँ कि बीजेपी अपने दम पर जो है वो 310 तक मैक्सिमम जो है वो जाएगी। हम सर्वे दे रहा है 343, आप कह रहे हैं 310 तक मैक्सिमम जाएगी। ओके, मतलब इंडिया गठबंधन 100 के पार और कांग्रेस पार्टी 50 के ऊपर। कांग्रेस का तो देखिए हाल भी बुरा है, मैंने आपको पहले भी बोला था 51 के बाद अगर सबसे कम सीटों पर कांग्रेस कभी लड़ रही है चुनाव तो इन चुनावों में लड़ रही है। 323 तो सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उसको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है कांग्रेस को। क्या होता है कि पार्टी को अपने ऊपर भरोसा हो, काडर के ऊपर भरोसा हो, तो शायद जो है पार्टी में ऐसा लगता है कि जो है वो कुछ कमाल करते। कोई सलाह आपको आपकी कांग्रेस पार्टी को? हम तो चुनाव खड़ा है सामने, काफी सारे लोग जो है ब्रेकिंग न्यूज कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को थोड़ा नहीं कर पाएंगे, अलग हटना चाहिए, गांधी परिवार को थोड़ा अलग हटना चाहिए, कांग्रेस को परपदे देना चाहिए थोड़ा सा। तो अगर वैसा होता है तो क्या पता कांग्रेस रिवाइव, वो तो जो होगा इलेक्शन के बाद होगा। अभी अब देखिए अब 2024 की कोई बात नहीं, अब डब्बा गोल हो गया, जो बात डब्बा बंद हो गया 2029 की बात होगी कांग्रेस। अच्छा, 40 आप दे रहे हैं, 40 से ऊपर मानेंगे? 40 से 40 या 40 से थोड़ा ऊपर हो सकता है। देवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, फाइनल आंकड़ा हमने दिखा दिया है, 393 एनडीए और 343 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 370 का टारगेट मोदी ने सेट किया था, लेकिन 343 बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है, यही आंकलन लेकर चला जा रहा है इस वक्त पार्टी की तरफ से भी, और टारगेट लेकर चला जा रहा है। आंकलन ना कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो मान रहे हैं कि कई जगह पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस के पीछे फैक्टर्स अलग अलग हैं। जैसे महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पूर्वांचल में हमारे सर्वे जो बता रहा है पार्टी के रणनीतिकार का जो ग्राउंड फीडबैक है वो अलग है। जैसे पूर्वांचल के उदाहरण पर आप देखें तो आजमगढ़ के अलावा लालगंज, घोसी, इन सीटों को बीजेपी डिफिकल्ट मान रही है, और अब जौनपुर की स्थिति भी क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट की है तो वहाँ भी बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत वाली स्थिति है। तो पार्टी के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे हैं कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी सीटें फंसी हुई है और उन्हीं पे आपको काम करना होगा। इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अनयूजुअल चीज़ है, इस लिहाज से कि अगर ये इतना सर्टेन होता तो फिर प्रधानमंत्री को इतने कैंपेन करने की जरूरत क्या पड़ती, बीजेपी नेताओं को इतने कैंपेन करने की जरूरत क्या पड़ती, किसी भी नेता को कैंपेन करने की जरूरत क्या पड़ती। वो वजह ही ये रहता है कि जब टाइट सीट पर आप कैंपेन करते हैं तो फिर माहौल बनाते हैं और फिर वोटर अपने पक्ष में लेकर आते हैं। बीजेपी की एक दूसरी चिंता ये है, क्योंकि अपोजिशन से चैलेंज मिलता नजर नहीं आ रहा है, अभी तक मिल नहीं रहा है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ समस्या ये होती है कि जैसे अपोजिशन से उन्हें चैलेंज मिलता है वो और दुगुने उत्साह से लग जाते हैं और फिर अपने ग्रीवांसेस वो किनारे कर देते हैं। अन्यथा अगर सिटिंग कैंडिडेट को लेकर उनके अंदर ग्रीवांसेस हैं तो उनके हावी होने का खतरा इस रूप में रहता है कि वो कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ तो जाएगा नहीं, लेकिन अपने घर में थोड़ा निष्क्रिय जरूर रह सकता है, उसका पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो ये भी एक चिंता है जिसको लेकर बीजेपी बार बार अपने कार्यकर्ताओं को ये बता रही है। और इस पूरे चिंता को कैसे हल किया जा रहा है इसको आप देखें तो केंद्र बिंदु में पीएम मोदी हर जगह जाकर ये बता रहे हैं कि आपको मुझे देखना है, देश के प्रधानमंत्री को वोट करना है, 2047 के लिए वोट करना है, हमारे रिपोर्ट कार्ड पर वोट करना है, हमारे आगे के विजन पर वोट करना है, और कमल का फूल देखना है या फिर हमारे सहयोगी को देखना है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते बीजेपी इस प्रकार की स्ट्रेटजी अख्तियार कर रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कई सारी सीटें हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कई सारे राज्य हैं और उन राज्यों में स्पेसिफिक सीट की बात कर रहे हैं, जैसे कर्नाटक में 7-8 सीटें पार्टी ने ऐसे चिन्हित कर रखा है जहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में लगभग, महाराष्ट्र में लगभग 15-16 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी को बहुत ज्यादा बीजेपी को देवेंद्र खुद चिंता है और कई सीटें उसको लग रही हैं कि वो फंस सकती हैं, कहीं पर टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो जो आंकड़ा हमने दिखाया है वो आंकड़ा नीचे मानकर चला जा रहा है या इससे आपकी गुंजाइश भी है 343 से? देखिए अभी तक तो ऐसा कि मैंने पहले आपको कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ने अगर 370 का आंकड़ा बीजेपी को दे दिया और 400 का आंकड़ा गठबंधन के लिहाज से, तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता इसी लक्ष्य को मानकर चलेगा। लेकिन मैं जो कठिनाई की बात कर रहा हूँ वो उन सीटों को लेकर जो पार्टी के पास अपना फीडबैक है उन राज्यों के, उन सीटों के बारे में वो हम बता रहे हैं जहां ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ऐसे अनेक उदाहरण ऐसे होते हैं जब पार्टी शुरू में 1-1.5 महीने पहले जिन सीटों को डिफिकल्ट मानती है, फाइनली आप देखेंगे तो उसमें विक्ट्री हो जाती है, क्योंकि पार्टी के पास दो तरीका रहता है। एक तो ये कि आप बीमारी की पहचान करें और जैसे बीमारी की पहचान होती है वहां पर आप तुरंत उसका समाधान करते हैं, उपचार करते हैं। अपोजिशन और बीजेपी के रणनीति में, इलेक्शन रणनीति में ये एक बड़ा फर्क नजर आता है कि बीजेपी अपनी कमियों को बहुत जल्दी एड्रेस करती है और उसके हिसाब से समाधान करती है। मुजफ्फरनगर का केस ही आप देख लें, जैसे पार्टी को थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ क्षत्रिय एक समस्या हो सकती है, आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी में क्षत्रियों के सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के हैं उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया। तो इस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, उनको दूर किया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं कि जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि अभी के हिसाब से आप देखें तो 370 बीजेपी के रणनीतिकार भी मान के चल रहे हैं कि वो थोड़े ज्यादा दूर की गोड़ी है, उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा 70 अचीव करने के लिए। पॉजिटिव साइड पर बीजेपी को किन-किन राज्यों से और कैसी अप्रत्याशित नतीजों की उम्मीद है?
उसमें दो चीज़ें सौरभ, एक तो ये कि पहले अगर हम ये नहीं मान सकते हैं कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनौती वाली सीटें जिन सीटों को मान रही है उसके बारे में गिव अप कर दिया है, वो गिव अप ही हो जाएगा। जैसे यूपी के जिन सीटों का हम लोग उदाहरण देकर बात कर रहे हैं, बिहार की जिन सीटों का उदाहरण देकर बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सीटों का उदाहरण देकर बात कर रहे हैं, कर्नाटक सीटों का उदाहरण देकर बात कर रहे हैं, पार्टी ये मानकर चल रही है कि अभी इतना समय है कि हम उस डैमेज को कंट्रोल कर लेंगे और जो समस्या है उसे दूर कर लेंगे। नंबर्स बढ़ाने के लिहाज से अगर बात कर लें तो उस बढ़ाने के लिहाज से पार्टी मान के चल रही है कि बंगाल में उसकी सीटें बढ़ेंगी, उड़ीसा में उसकी सीटें बढ़ेंगी, तमिलनाडु में कुछ सीटें आएंगी, केरला में अगर आप देखें तो पार्टी का जो एक्चुअल फीडबैक है उसमें यह है कि अगर 60% कृष्णा ने वोट कर दिया तो त्रिशूर वाली जो सीट है सुरेश गोपी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट जीती जा सकती है, लेकिन 60% नहीं 60,000 क्रिश्चियन वोट आने चाहिए बीजेपी के पक्ष में, जो कि आसान काम नहीं होगा। इतना बड़ा मोबिलाइजेशन आमतौर पर साउथ में नहीं होता है। इसके अलावा आर्टिंगल वाली सीट जो है जहां मुरलीधरन लड़ रहे हैं वो एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो भी क्लियर कट जीत वाली स्थिति नहीं है। तो केरल में बीजेपी को बहुत ज़्यादा होप नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वहाँ से वो अपनी कुछ सीटों में इजाफा कर लेगी। बाकी राज्यों की अगर बात करें तो झारखंड में पार्टी इस बार मान के चल रही है कि इस बार वो सारी की सारी सीटें झटकने की स्थिति में है और ऐसा वो कारनामा वो कर पाएगी। बिहार में पार्टी की ये कोशिश है कि पिछली बार का जो आंकड़ा है उससे बहुत दूर ना रहा जाए। उत्तर प्रदेश में पार्टी की अभी जो स्थिति है उसमें पार्टी ये मानकर चल रही है कि एनीवेयर बिटवीन 68-70 रह सकता है एनडीए गठबंधन के लिहाज से, और बाकी सीटों पर आपको और मेहनत करनी है। तो ओवरऑल जहां पर आप मैक्सिमम थे वहां पे तो मैक्सिमम है, उसे रिटर्न करना है। कर्नाटक में बड़ी समस्या सौरभ ये जरूर है कि पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है और पार्टी का अपना जो फीडबैक है उसके हिसाब से महिलाएं जो स्टेट की तरफ से गारंटी दिया गया है उनमें उनका झुकाव थोड़ा कांग्रेस की तरफ ज्यादा था, वो बीजेपी के लिए कंसर्न था। लेकिन पुरुष वोटर लगभग पार्टी का एक इंटरनल सर्वे हुआ था उसमें 62% पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो चीज बीजेपी के लिए वहां पे ट्रंप कार्ड हो सकता है। तो इस तरह से राज्यवार बीजेपी ने आकलन कर रखा है, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। सौरभ ठीक है, भावेश जैसा अभी असेसमेंट की बात देवेंद्र कर रहे थे, टिकट का जो वितरण हुआ या टिकट जिस तरीके से बांटे गए, उम्मीदवार मैदान में उतारे गए, इसका कितना महत्वपूर्ण रोल आप मान रहे हैं जमीन पर जिससे वोटर्स का मन शिफ्ट भी होता है? देखिए कुछ राज्यों में जरूर होगा इसका असर कि आपने किसको कैंडिडेट दिए हैं, और फिर जो सीट शेयरिंग जो आपका अलायंस के साथ था वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर यूपी में यदि आप जाए तो घोसी सीट जैसे पहले यदि हम लोग सर्वे जब जनवरी महीना फरवरी महीना में जब हमने किया था वो दिख रहा था कि बीजेपी वो सीट यदि खुद से लड़ेगी तो जीत सकती है, लेकिन जब से इन्होंने राजभर की पार्टी को दिया था वहाँ पे एक बहुत बड़ी चैलेंजेज ये आई कि वहाँ पे जो बीजेपी के कैडर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शायद इसीलिए आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा कि कैसे जो डिप्टी बिल्कुल वो तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। उसी तरह बिहार में भी देखे तो पहले लग रहा था कि बीजेपी खुद ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो बिहार में और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उन्होंने जो 2019 में जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला के अंदर 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खासकर साउथ में बीजेपी जिन जिन सीटों पर अच्छे कैंडिडेट दे रही है, बीजेपी का वहाँ पहले से यदि थोड़ा बहुत जनाधार है तो बीजेपी के लिए वहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाते हैं। जिस तरह देवेंद्र बात कर रहे थे, तिंगल सीट की बात करी, एक त्रिवेंद्रम सीट की बात कर रहे थे या थ्रिशूर सीट की बात कर रहे थे या पठानमथिट्टा की बात कर रहे थे, इन सब सीटों के लिए बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट का होना बीजेपी के लिए संभावनाएं बढ़ाते हैं कि बीजेपी यहाँ पे जीत सकते हैं। उसी तरह तमिलनाडु में देखिए जो जो सीटें हम लोग प्रिडिक्ट करें कि बीजेपी जीते, बीजेपी ने एक्चुअली में वहाँ पे कैंडिडेट अच्छा दिया है। जैसे हम लोग आजकल बात कर रहे थे कि रामनाथपुरम में जो अब एनडीए की कैंडिडेट है ओपीएस, वो तीन बार सीएम रह चुके हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छे कैंडिडेट है रामनाथपुरम में। वैसे भी बीजेपी अभी अपना कैंडिडेट है वो भी बीजेपी जीत सकती थी। इसी तरह देखेंगे अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ आप जाएंगे बीजेपी ने जहाँ पे अच्छा कैंडिडेट दिया है यदि वहाँ पे उसका आधार नहीं भी है तो बीजेपी वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन नॉर्थ में आप जैसे आएंगे, नॉर्थ में जिस तरह का एक मोमेंटम है उसमें बीजेपी के लिए कैंडिडेट सेलेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब नहीं लगता, लेकिन फिर भी वहां पे यदि बहुत ज्यादा नाराजगी है तो फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर।